वंस अगेन हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में। ये वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल के बारे में, ठीक है। तो ये वैलेंस शेल क्या है पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, जो एटम होता है एटम का जो बाहरी शेल होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। अभी जैसे यहाँ पर आप सोडियम को देखो, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एम सेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। तो यहाँ पर जो एम है, ये एम शेल को मैं वैलेंस शेल कहूँगा, क्योंकि ये एम शेल इसका सबसे बाहर वाला सेल होता है। तो जो शेल बाहर रहता है उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। अभी जैसे एक दूसरा एग्जांपल हमने कैल्शियम का ले लिया। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूँ तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देखो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और फिर जो बाहर वाला शेल है जो है एन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। तो इस हिसाब से जो बाहर वाला शेल है दैट इज एन, और एन को हम कहेंगे वैलेंस शेल, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है बात। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। देखो, वैलेंस शेल मतलब एकदम आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हम उसे कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल आप देख लो। यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया है और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 12। अगर मैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एम सेल है इसका, ये बाहर वाला सेल है और इसको मैं कहूँगा वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसका मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो मेरे हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी जैसे मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर इसका लिखूं तो वो ये होगा के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो एल है, एल सेल जो होता है ये एकदम बाहर वाला सेल होता है, तो एल हो जाएगा वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपल, ठीक है। तो ये रहा आपका वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम देखेंगे वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के वैलेंस शेल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसके के सेल में रहता है, तो के हो जाएगा इसका
वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी जैसे आप हीलियम को ले लो, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 2, और 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके के शेल में, तो इसका मतलब जो के शेल हो गया ये इसका बाहर वाला शेल है, तो के हो जाएगा इसका वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएगा। अब उसके बाद आता है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो के शेल में 2, एल शेल में 1, तो बाहर वाला शेल है एल, तो वैलेंस शेल कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेरिलियम। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, के शेल में 2, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एल हो गया इसका वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद बोरॉन। ठीक है, अब बोरॉन जो है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगा तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन जो है, बोरॉन का वैलेंस शेल हो जाएगा एल हो जाएगा, और एल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। नेक्स्ट आएगा आपका कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है दैट इज एल, तो वैलेंस शेल एल है, एल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। उसके बाद मैं देखूंगा नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2-5, दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, सो एल हो गया इसका वैलेंस शेल, और 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6, के शेल में 2, एल में 6, तो ये जो बाहर वाला शेल है एल वैलेंस शेल, और 6 हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-7, के शेल में 2, एल शेल में 7, तो के हो जाएगा आपका वैलेंस शेल, और ये 7 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नियॉन। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, तो एल हो जाएगा आपका वैलेंस शेल, और 8 हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आएगा सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1, के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल। अब यहाँ पर जो बाहर वाला शेल है वो है एम, तो इसका मतलब वैलेंस शेल एम हो जाएगा, और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-2, के शेल, एल शेल एंड एम शेल। ठीक है, तो ये एम हो जाएगा आपका वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, तो ये हो जाएंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब जैसे अभी मैंने कहा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आपके वैलेंस शेल में, आपके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हम उसे कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जो कि सिर्फ के शेल में रहेगा,
ठीक है, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके के सेल में रहेंगे, तो के हो जाएगा इसका वैलेंस सेल और ये 2 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद कार्बन को देखिए, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 एंड 4, तो के सेल में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन एंड एल सेल में रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो वैलेंस सेल है वो एल हो जाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 एंड 5, तो ये हो जाएगा आपका के सेल और ये हो जाएगा आपका एल सेल, तो एल सेल है इसका वैलेंस सेल और ये जो 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ठीक इसी हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। अब ये वैलेंसी का मतलब क्या है, ध्यान से, वैलेंसी का मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर डोनेटेड और रिसीव्ड बाय एन एटम। कोई एटम है वो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन अगर रिसीव करेगा, जितना द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हम उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कहेंगे वैलेंसी, ठीक है। अभी जैसे आपके सामने ये एक एटम है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पार्ट है, दिस इज द सेंटर, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और सेंटर में जो आपको ये सर्कुलर सा जो कुछ दिख रहा है, दिस इज, इसे हम कहते हैं प्रोटॉन और इसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है एक एटम का स्ट्रक्चर, ये होता है एक एटम का स्ट्रक्चर, एकदम स्फेरिकल शेप का होता है, सेंटर में रहता है आपका न्यूक्लियस, सेंटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और न्यूक्लियस के बाहर आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है, एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है, कभी प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन को डोनेट नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो, न्यूक्लियस के पास एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स रहता है और ये फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जकड़ कर रखता है, जिससे ये दोनों कभी बाहर नहीं जा पाते। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करता, जिसके चलते ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर जा सकता है या फिर बाहर से अंदर आ सकता है, ठीक है। तो अभी आप देखो, पहले हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर एक किसी से ले सकता है, तो इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो 1 ही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसका जो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसका के शेल एकदम भरा हुआ है, तो इसे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं चाहिए और ये किसी को देगा भी नहीं, तो इसीलिए ये किसी से लेगा नहीं और किसी को देगा नहीं,
तो जिसके चलते इसकी जो वैलेंसी है वो हो जाएगी जीरो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लिथियम को। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। तो अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो मैं कुछ इससे लिख सकता हूं 2 and 1। के शेल में एक इलेक्ट्रॉन और एल शेल में, सॉरी, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो है एल, और एल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो वैलेंसी ये कहता है कि कोई एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट हो अगर उसका आउटर शेल के होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अगर एल होता है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, 8 से ज़्यादा कभी रहेगा नहीं। अगर 8 से कम है तो उसे कितना इलेक्ट्रॉन देने पर उसमें 8 होंगे, ठीक है, उसे ही हम कहेंगे वैलेंसी। अभी मान लो यहाँ पर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में मान लीजिए कि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है कितने, 6, और 8 होने के लिए इसको चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो 2 है, ये 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, सो अभी यहाँ पर आप बोरोन को देखिए। बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगी 2 and 3, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब रूल के मुताबिक आउटर मोस्ट सेल में 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर 8 होना चाहिए, लेकिन है कितने, 3 है, तो इसका मतलब 8 होना चाहिए, है 3, और इसको चाहिए कितना, और 5 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। लेकिन कोई भी आटम हो, कोई दूसरे एलिमेंट का आटम हो, वो किसी को 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। कोई दूसरा एलिमेंट हो या फिर कोई दूसरा आटम हो, वो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं कर सकता। वो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, या फिर 4। 4 से ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। तो यहाँ पर जो लिथियम है इसको चाहिए कितना, 5 चाहिए, लेकिन 5 कोई डोनेट नहीं कर सकता। तो जिसके चलते इसको 5 मिलना इम्पॉसिबल हो, तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये जो 3 है, ये 3 किसी दूसरे को दे देगा। तो 3 देने पर पहले इसके पास 5 थे, तो ये क्या करेगा, 3 दे देगा। ठीक है, 3 देने के बाद उसके आउटर मोस्ट सेल में रहेगा 2। ठीक है, तो आउटर सेल अभी कंप्लीट हो गया, आउटर सेल इसका बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो कितना इसने दे दिया, 3। तो इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। अभी और एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन को हमने ले लिया। ऑक्सीजन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2 and 6, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब एल सेल में होना चाहिए कितना, 8 चाहिए, 8 होने के लिए अब इसके पास है कितना, 6 है, और अभी इसको कितना चाहिए, 8 - 6 = 2, तो अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, एक नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। अभी अब यहाँ पे फ्लोरीन का एग्जांपल ले लो।
फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 9, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 2 और 7। आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो अभी इसे कितना चाहिए? 8 - 7 = 1। सो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो इसका मतलब जो फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की जो वैलेंसी है वो होगी 1। उसके बाद नियोन को देखिए। अब नियोन का जो आउटर मोस्ट सेल है वो बिल्कुल भरा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहिए नहीं, तो ये किसी को देगा नहीं और किसी से लेगा भी नहीं, तो इसकी जो वैलेंसी 0। उसके बाद सोडियम को देखिए, आप ध्यान से सोडियम को देखिए, एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 2, 8 और 1। आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। उसके बाद मैग्नीशियम, आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसका मतलब ये किसी को 2 दे सकता है, तो वैलेंसी 2 हो जाएगी। उसके बाद एल्यूमिनियम, आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, तो इसका मतलब ये किसी को 3 दे सकता है, वैलेंसी 3। उसके बाद सिलिकॉन, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये है ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी 4। उसके बाद आता है आपका फॉस्फरस, आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है, तो इसका मतलब ये किसी को 5 दे नहीं सकता। यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉज लेंगे, 5 कोई किसी को दे नहीं सकता। यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉज लेंगे, कोई भी 5 किसी को दे नहीं सकता, ठीक है? तो ये किस क्या करेगा, ये लेगा, कितना लेगा? ये 3 ले जाएगा। किसी से 3 लेने पर इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो जिसके चलते इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 3। क्लियर है? उसके बाद आप देखेंगे सल्फर को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, 2, 8 और 6। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा, ये 2 रिसीव कर लेगा, तो इसकी जो वैलेंसी बन जाएगी वो हो जाएगी 2, ठीक है? तो ठीक इसी तरह से ही वैलेंसी कैलकुलेट किया जाता है। बात एकदम क्लियर हुई? एकदम क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड।